हमारे साथ हैं गौरव गुप्ता जी। गौरव गुप्ता जी इंटरनेशनल पर्सनालिटी हैं और राजस्थान एकेडमी के डायरेक्टर हैं और आज मॉरिशस एम्बेसी में एक होली का कार्यक्रम है। हम सर से जानना चाहते हैं कि सर का लोगों के प्रति जो प्रेम और एक सौहार्द का जो प्रोग्राम, जो एक त्यौहार है होली, उस पर सर का क्या कहना है? नमस्कार, होली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। भारत एक त्यौहारों का देश है और होली फेस्टिवल आया और दो साल के कोरोना के बाद एक उत्साह की लहर है। हम आज मॉरिशस एम्बेसी में हैं, एक्सीलेंसी ने हम लोगों को इनवाइट करा है और अबीर के नाम से एक होली का कार्यक्रम रखा है जिसमें देश विदेश के भारत के विभिन्न नृत्यों को प्रस्तुत किया गया है और राधा किशन जी फूलों की होली भी खेली गई है। तो एक अलग माहौल है और उत्साह का माहौल है। इसमें आज कई देशों के राजदूतों ने साथ में भाग लिया है, बांग्लादेश के, फिजी के, और हमारे साथ डिप्लोमेट्स हैं अफगानिस्तान के, पैलेस्टाइन के और बुर्किना फासो के। तो ये एक अच्छा आज माहौल लग रहा है कि दो साल के कोरोना के बाद हम लोग होली इंजॉय कर पा रहे हैं। सोनम दोरजी हमारे साथ हैं और भूटान के कोऑर्डिनेटर हैं। आज होली सेलिब्रेशन का प्रोग्राम है मॉरिशस एम्बेसी में, तो हम दोरजी साहब से पूछना चाहेंगे कि किस तरह का आपसी जो कंट्रीज़ है उसमें आपसी प्रेम और एक दूसरे के जो फेस्टिवल हैं उनको कैसे सेलिब्रेट किया जाए? ऐसे तो भूटान और इंडिया तो बहुत रिलेशन बहुत अच्छा है, नो, इसलिए भूटान को बीच में, भूटान में भी हम लोग का इंडिया को आर्मी बहुत है, वो लोग होली मनता है, हम लोग भी होली खेलता है। अभी होली ऐसे है, होली एक रंग का फेस्टिवल है, नो, सब मिलजुल की, सब मिलजुल की अच्छा करके होली खेलने से तो बहुत खुशी होता है, नो, खुशी सब आदमी खुशी मांगता है, नो, खुशी कहाँ से आता है? खुशी अपना दिल से आता है, नो, सो दूसरा हम खुद खुशी चाहे तो कैसे खुशी बनाए, तो दूसरा को खुशी बनाना पड़ेगा। इफ हमने दूसरा को खुशी कर गया तो हमको खुशी होगा ना, इसलिए होली हम लोग सब मिल के होली करके सबको खुशी देना है, खुशी दे के आप अभी दुनिया में सब शांति होने के लिए सब प्रार्थना, मेरा तरफ से, हम लोग अभियान फाउंडेशन तरफ से सबसे हम लोग मिल के दुनिया शांत होने के लिए बहुत हमको विश है। दुनिया बहुत छोटी है और सभी देश कहीं ना कहीं एक साथ मिलके जब मानव सेवा के लिए और आपसी प्रेम के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं तो ये अपने आप में एक सराहनीय कार्य हो जाता है। आज हमारे साथ हैं कमलेश एस प्रकाश जी, हाई कमीशन हैं फिजी एम्बेसी के। हम जानना चाहेंगे कि सर पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए, मानवता के लिए सर का क्या संदेश है? जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल में इस इंटरव्यू के लिए। आज तो हम बहुत जम करके होली मनाए हैं मॉरिशियन हाई कमीशन न्यू दिल्ली में, और होली तो जैसे आप जानते हैं ये एक विक्ट्री है, ट्रिम्प है ऑफ गुड ओवर इविल। अलग अलग वजह से होली मनाई जाती है। हमें जो हमारे पूर्वज बताए हैं वो है कि जो छोटा सा बच्चा था प्रहलाद है जी, उनका जो पिताजी थे डेमन किंग हिरण्यकश्यप, उनके कई प्रयास के बाद है कि आप हमें ही भगवान माने, बच्चा नहीं मानता है, भगवान तो सिर्फ लॉर्ड विष्णु है, एसेट्रा, कितने बार कई कोशिशें की गई, इनको मारे, पॉइजन दिया गया, पॉइजनस स्नेक्स को खिलाया गया, चोटियों पर से ढकेला गया ना, फिर अंत में होलिका के गोद में बिठा करके जलाने की प्रयत्न की गई, वो भी असफल रहा क्योंकि ये भगवान के साथ थे, लॉर्ड विष्णु के साथ थे। यस, तो वहाँ पर ये सब जो इविल था, जो सारी बुराइयाँ थी हिरण्यकश्यप के नाम पे, उसका भी नष्ट होता है भगवान जब प्रकट होते हैं, और इसी तरह अच्छाई और जो सच्चाई है उसकी विजय होती है। तो आज होली के दिन हम वही मांग करते हैं कि दुनिया भर में सच्चाई, जो ट्रूथ है, शांति है, स्टेबिलिटी है, ये सभी जगह पर स्थिर रहे, मानव में प्रगति हो, बढ़ती हो, प्रेम हो, एक दूसरे से लाल लाल प्यार रहे, देशों में अच्छी संबंध हो, और शांति के मार्ग पर जो हमारे इस देश के फाउंडर भी बताते हैं महात्मा गांधी जी भी, इन अ नॉन वायलेंट मैनर, अगर जो हो सके इस सिद्धांतों पर हर देश का, पूरे संसार का कल्याण हो,
तो ये बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके आज के दिन में जो हम देख रहे हैं सभी बगल, चाहे एशिया में देखे, मिडिल ईस्ट में देखे, अभी तो यूक्रेन में जो हो रहा है तो सब देख ही रहे हैं। तो इसमें शांति, अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस, ये सब का बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए जो सत्य है, जो गुड है ना, yes, sir, वो हमेशा प्रिवेल होना चाहिए। होली के इस पावन पर्व पे सभी को फिजी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। एक्चुअली में जो हम ये दिल्ली है, जो दिल्ली की धरती है, भूमि है, ये भगवान से जुड़ी है। भगवान का पद यहाँ पे था उस टाइम पे भी, और अभी भी इतना मान्यता है। हम अभी मॉरिशस में जो बनाए यहाँ पर होली, तब हम बहुत भाग्यशाली है कि हम अटेंड किए ये फंक्शन। लेकिन हम अभी थोड़ी देर पहले हम गए थे कालकी मंदिर, कालका जी मंदिर जी, वहाँ पर जिस तरह से, जिस उल्लास से होली मनाई, और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारा भगवान से जो कनेक्शन है, फिजी के लोग से जो कनेक्शन है बहुत है, वहाँ पर भी इसी तरह इसी उल्लास के साथ वो मनाते हैं। और हमारे शास्त्र से भी जुड़ा है होली का ये पर्व, तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम हिस्सा है इनके। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर बरखा वर्षा, अभिज्ञान फाउंडेशन की चेयरमैन, अभिज्ञान की तरफ से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे देश के लोगों को? देश क्या, क्योंकि हम तो सीमाओं में नहीं बंधे हैं, हम तो दुनिया से बंधे जुड़े हुए लोग हैं। तो मैं सारी दुनिया को ये संदेश देती हूँ कि शांति से ज़िंदगी जीना, अमन पसंद होना, और अमन के साथ ज़िंदगी आगे बढ़ती है, जंग से जो है ज़िंदगियाँ ख़त्म होती हैं। तो हम जो ये विश्व शांति या पीस को हम लोग प्रमोट करते हैं, मेरा लोगों से यही है कि जो आपसी जो मन मुटाव होते हैं, या कंट्री में भी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जैसे अभी चल रहा है, इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग कैसे आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हमारे साथ डॉक्टर बरखा वर्षा हमारे साथ थी। टुडे विद मी मिस्टर अंजाम, representative Afghanistan, please tell me. Yes, thank you so much, sir. So this is Ahmad Khan Anjam. Yes. So मैं तकरीबन छः साल हो हिंदुस्तान रहती हूँ। सो इधर मैं अफगान यूथ एसोसिएशन का लीडर हूँ, और इधर हमारा एक ट्यूशन क्लास भी है, उसका भी 450 स्टूडेंट है, उसका भी कोऑर्डिनेट करता हूँ, और ए अभियान फाउंडेशन का मेम्बरशिप अफगानिस्तान के साथ। सो इधर तो सारी दुनिया जानती है अभी अफगानिस्तान का सिचुएशन क्या हाल है, तो इसलिए मैं इधर भी पढ़ाई करता हूँ। हमारा PhD है भी जामे हमदर्द का, और सारी अफगान रिफ्यूजी रहा रहती है सिर्फ सिक्योरिटी के लिए। और इन दिस वर्ल्ड पीस मैसेज, यस या स्पेशली माय मैसेज फॉर एवरी कंट्रीज टू प्लीज कीप द पीस, बिकॉज अफगानिस्तान मेनी इयर्स देयर इज नो पीस, स्पेशली राइट नाउ द तालिबान। अराउंड 20 इयर्स अगो आई वाज इन सेकंड स्कूल देयर, ऑन दैट टाइम वाज तालिबान, राइट नाउ आल्सो आई एम द सेकंड क्लास ऑफ यूनिवर्सिटी आल्सो द तालिबान, सेम लाइक अ ड्रीम। सो मैं चाहता हूँ तो क्यों सारी दुनिया पीस उसका पसंद नहीं है। सो अगर एक छोटा बच्चे का बोटा हो उसको बोलता है हमारा पीस चाहिए, सो हमारा अगर पीस था तो सब कुछ है, क्योंकि अभी सारी स्पेशली मैं यंग जनरेशन का बोलता हूँ, तो अगर उसका क्या चाहिए वो बोलता हमारा पीस चाहिए, काम नहीं चाहिए, इज्जत नहीं है, हमारा सब कुछ इज्जत का, पैसे का, पीस है, असल है। गुड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू। राबिया जी, आप इंडिया में हैं और मॉरिशस एम्बेसी में हैं, और आज होली सेलिब्रेशन है, आपको कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगा, क्योंकि मैं सालों में ज़्यादा इधर रहती हूँ, और माम के साथ भी ज्वाइन करती हूँ ये होली सेलिब्रेशन को। ये अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि माम भी और इंडियन लोग भी मेरे साथ ईद को मनाते हैं, और ये भी अच्छी बात है कि हम कंटिन्यू होली को सेलिब्रेशन। आज का जो ये फंक्शन था होली समारोह, ये कैसा रहा और आपने किस तरह से इसको enjoy kiya? It was amazing. Yeah. It was good. I'm really enjoyed like every single moment. Are you like Indian culture? Yeah, I'm very like bahut acha tha, matlab sab khush tha, aur jo ye holi jo hai na, ye unhone celebrate kiya, humne bahut enjoyed kiya, bas matlab aaj sab all things like was good.
एंड आप किस तरह से होली को सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं? होली मतलब होली डे इज लाइक फुल ऑफ द कलर्स, एवरीवन लाइक अ कलर. आई एम आल्सो लाइक सेम, आई प्ले विद कलर लाइक सम बलून वाटरफॉल, यू नो सम बलून जो है ना यू लूप, ये लोग मतलब वाटर बलून यूज, या इट्स लाइक वेरी गुड कल्चर इन इंडिया, आई लाइक इट, या टू मच.